विवेकवान वही कदम रखने के पहले परिणाम देखे कि मैं पैर कहाँ रख रहा हूँ। मूर्ख वही है कि चलो यार देखा जाएगा, जब अंधे कुएं में गिर जाओगे तब क्या देख पाओगे। ये अंधा कुआं है संसार, इसमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ऐसी फिसलने की वहीं पहुंच जाओगे जहां से निकलना मुश्किल है। 5 मिनट की गलती आजीवन कारावास, 1 भयानक गलती फांसी का फंदा गले में, गोली मार दी गई बहुत होश में। तुम्हारा मन तुम्हें गलत सलाह दे करके तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा देगा कि जीवन भर तड़पते रहोगे, न परिवार से मिल पाओगे और न धर्म कर पाओगे, न भगवत प्राप्ति कर पाओगे होश में। तो अधर्माचरण की तरफ जाते हुए मन को जो रोक ले वही विवेकी है, वही मनुष्य है, पशु थोड़ी है। पशु नहीं जानता है, वो तो जैसा भाव आया प्रारब्धानुसार वैसा चल रहा है वैसा। हम प्रारब्ध के अनुसार चलने वाले नहीं है, हम विवेक के अनुसार चलने वाले हैं। प्रारब्ध शरीर पर आएगा सुख दुख, लेकिन विवेक के द्वारा हम उसको अब बचाएंगे। ये सुख दुख का कोई खास महत्व नहीं, स्वाप्निक है, आने जाने वाले हैं। आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तु सुभारत, सत्य पे चलो चाहे जैसी परिस्थिति हो, डिगना मत, तो आनंद की अनुभूति हो जाएगी, भगवदानंद की प्राप्ति। सत्य का मार्ग बहुत आनंददायक है, दुखद थोड़ी है। ये चालबाजी चतुरता कपट करके चंद रूपये एकत्रित कर लेना, कुछ सुख सुविधाएं एकत्रित कर लेना, लेकिन परिणाम में हाहाकार, क्लेश, अशांति, दुख, चिंता, शोक, भय, कल्पना, ये कैसे मिटा पाओगे। सत्यवान इसी पर विजय प्राप्त करता है। तो सौभाग्य आपका कि आप सत्य पे चलना चाहते हैं। नाम जप कीजिए, सत्संग सुनिए और घबराइए मत कि असत आचरण करने वाले उन्नति को प्राप्त होते हैं, ऐसा नहीं है।